बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव का प्रभारी और हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। दोनों इस वक्त राज्य विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए झारखंड के दौरे पर है। इस बार के लोकसभा चुनाव से सबक लेने के बाद बीजेपी अब कदम फूंक फूंक कर रख रही है और कुछ चौंकाने वाले फैसले भी लेने की तैयारी में है। इस बार के समीकरण और तैयारी पिछली बार से बहुत हद तक बदली हुई है। पिछली बार झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 65 पार का नारा दिया था। बीजेपी लेकिन 26 सीटों पर ही सिमट गई। अब 5 साल बाद यानी कि 2024 के आखिर में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। उस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, जो इन दिनों झारखंड की राजनीति से दूर ओडिशा के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। 5 सालों तक केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी आलाकमान ने आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वो भी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं दिलवा पाए। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को आदिवासियों के लिए 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। तो अब तक कोई आदिवासी नेता बीजेपी को जीत नहीं दिलवा पाया, जिसका इंतजार बीजेपी कर रही है। इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल दिया है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या किसी अन्य नेता को सीएम फेस के रूप में आगे करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इस बार पार्टी अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचेंगे और पार्टी के लिए ही वोट करने की अपील करेंगे। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव के पहले इस बात की संभावना काफी हद तक कम है कि पार्टी किसी चेहरे को सीएम के फेस के रूप में आगे करके चुनाव लड़ेगी। चुनाव में बहुमत मिलने के बाद ही बीजेपी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ की तरह चौंकाने वाला कोई फैसला ले सकती है। किसी ऐसे नए चेहरे को सामने लाया जा सकता है जिसकी चर्चा अभी तक पार्टी तक में नहीं हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व पर कई सवाल उठे थे। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन ने हार के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर भीतराघात करने का बड़ा आरोप लगाया। इसी तरह से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे जीत तो गए, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जब समीक्षा बैठक हुई तो बीजेपी विधायक नारायण दास और सांसद के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी और अन्य बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी अब बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी पर कई सवाल उठा रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि झारखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में तो उठा चुकी है, अब खतरा झारखंड के विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में अर्जुन मुंडा को खूंटी से बड़ी हार मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा कोई बड़े अंतर से नहीं जीते थे। 2019 के चुनाव में 1,445 वोट के अंतर से उन्हें जीत मिली थी। वहीं इस बार चुनाव में उन्हें करीब 1.5 लाख मतों से हारना पड़ा है। अर्जुन मुंडा लगातार 5 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे हैं, इसके बावजूद खूंटी से हार जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक झटका उनको खुद लगा है। लेकिन अर्जुन मुंडा की गिनती झारखंड के ही नहीं बल्कि देश के आदिवासी बड़े नेताओं के रूप में होती है। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। चर्चा यहाँ तक है कि अर्जुन मुंडा खरसावा विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बीजेपी केंद्र नेतृत्व ने ओडिशा का राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया है। लेकिन जिस तरह से रघुवर दास ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत किया है, उसे लेकर एक बार फिर से रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापस लौटने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में है। इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही। एक, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खूंटी से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथ में कमान आने से बीजेपी आदिवासियों के लिए आरक्षित एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में अब नए चेहरे की तलाश की जा रही है। नया चेहरा कौन हो सकता है, इसका कयास भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने इस तरह के फैसले से चौंकाती है। वैसे हो सकता है कि बीजेपी चुनाव के बाद आए नतीजों के बाद ही झारखंड का नया चेहरा सामने लाए, वो भी तब जब वो जीत जाएगी, वरना अभी तक किसी भी झारखंड के नेता में वो बात नहीं दिखी है जो बीजेपी के लिए कोई बड़ा करिश्मा कर दिखाए। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।